हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजु हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिग्री क्या होती है और उसके अलावा रेडियन क्या होता है और इन दोनों में रिलेशन क्या है। मैं एक बार रिलेशन फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपको। जो रिलेशन होता है वो 2π रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 1/360 डिग्री, या फिर जो है पाई रेडियन इज इक्वल टू जो होता है वो है 180 डिग्री। अब केवल इस जो रिलेशन के बेस पे हम जो क्वेश्चंस हैं वो देख रहे हैं यहाँ पे। तो हम पिछला क्वेश्चन हमने देखा था कि 25 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिखेंगे, ये निकालना हमने सीख लिया था। उसके अलावा हम ने कुछ दो क्वेश्चन आपको दिए थे, शायद 35 डिग्री को रेडियन में चेंज करना था और 55 डिग्री को रेडियन में चेंज करना था, वो आपने कर लिया होगा। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे ये देखते हैं कि 520 डिग्री को रेडियन में हमें चेंज करना है। तो जो आपका प्रोसीजर है वो आपका सेम ही रहेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो हमें पता है, हम जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करके नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अब हमें क्या चेंज करना है 520 को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 520 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 520 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 520 रेडियन में आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया है, अब जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, तो क्या हो जाएगा ये 2 से होगा तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2 एंड 6 ये हो जाएगा, यानी कि 26 पाई बाई 9 रेडियन ये निकल करके आ गया है आपका। 520 डिग्री को हम रेडियन में इस तरीके से लिख सकते हैं। चलो अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, अभी तक हम बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन से देख रहे थे, थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 या फिर 47 ले लेते हैं, चलो 47 डिग्री एंड 30 मिनट को रेडियन में चेंज करो, रेडियन में बदलो। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डिग्री में नहीं है, केवल मिनट में भी है, तो इसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, जबकि हमारे पास जो रिलेशन है वो डिग्री और रेडियन का है। तो इतना तो फिक्स है कि मिनट को हम रेडियन में नहीं बदल सकते, इसका मतलब है कि इस मिनट को किस में चेंज करें, डिग्री में चेंज करें। आपको पता है अगर आपके पास है 30 मिनट्स है, टाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो 30 मिनट है, तो इसको अपने को घंटे में बदलना है तो क्या करना होगा, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 घंटा ये लिख सकते हैं। तो इसमें भी यही करेंगे, अगर ये मिनट है इसको डिग्री में हमें चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसमें 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसको हम क्या पढ़ सकते हैं 47 डिग्री और क्या है प्लस में 30 मिनट्स हैं। तो यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन, इसको क्या लिख सकते हैं 47 और यहाँ पे 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी डिग्री में हो जाएगा, तो यहाँ पे 30/60। अब ये पूरे के डिग्री लग गया तो ये बन गया। अब यहाँ पे देखो जीरो से जीरो कैंसिल, आपका थ्री या यहाँ पे हो गया आपका 47 × 1/2 ये बन गया है, यानी कि 47 1/2। अब इसको आप सही भिन्न को आप हटा सकते हो, भिन्न में चेंज कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 95/2, बिकॉज यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये जोड़ देते हैं, ये हो गया 95/2 डिग्री हो गया है आपके पास, ये डिग्री हो गया है। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं रेडियन में इजीली, देखो कैसे। तो हमें पता है कि वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन,
तो यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे कितना डिग्री, 95 पाई 2 डिग्री कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू में 95 बाई 2 रेडियन में हो जाएगा ये रेडियन। अब जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, बाकी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 515 नाम, और यहाँ पे 5315 56 ये हो गया है। अब यहाँ पे 19 एंड 19 36 होते हैं, तो ये 2 से तो क्या हो गया आपका 95 बाई, सॉरी एक और बंद करना सर जी। हाँ स्टूडेंट्स, ये नहीं कैंसिल हो पा रहे हैं आपके, यहाँ पे 36 ही रहेंगे और ऊपर क्या बच रहे हैं आपके 19, ये बच गए हैं आपके। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इधर 19 पाई बाई ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 72, ये रेडियन में आ गया स्टूडेंट। यानी कि 47 डिग्री 30 मिनट को हम रेडियन में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेते हैं इसका कन्वर्स यानी कि इसका उल्टा। अभी तक हमने स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं उसका उल्टा क्वेश्चन यानी कि रेडियन को हम चेंज करेंगे डिग्री में। तो हमारा जो क्वेश्चन है सबसे पहला इसमें है 5 पाई बाई 3 रेडियन को डिग्री में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है सॉल्यूशन इसका, यानी कि वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम पाई की जगह क्या रख सकते हैं, 180 रख सकते हैं डिग्री में। तो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। अतः 5 पाई बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियन इज इक्वल टू 5 × 180 / 3 और ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, किससे कैंसिल हो जाएगा आपका 60 से, यानी कि इसको 60 से 3 से कन्वर्ट नहीं कैंसिल किया तो ये क्या हो जाएगा 60, और ये क्या हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई होके इज इक्वल टू 300 डिग्री। यानी कि 5 पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 300 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अब आपको रेडियन को डिग्री में चेंज करना और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत अच्छे से आ गया है। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि इसमें बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, इस टॉपिक में जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, और उन क्वेश्चंस को यानी कि यहाँ पे ये जो लिया था बहुत ही ईजी लिया था, क्योंकि स्टार्टिंग क्वेश्चन जरूरी होता है कि ईजी ले ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। अभी आप नए हो, आपकी और हमारी यानी कि बॉन्डिंग या बॉडी लैंग्वेज भी नहीं हुई है, तो इसीलिए हम सिंपल क्वेश्चंस ले रहे हैं, वरना लेवल बहुत अच्छा है। आपको फाउंडेशन यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, उसके साथ में आरबीएससी यहाँ पे करवाया जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेंगे। जो भी आपका बैच बनेगा जिस हिसाब से, वो तो ऑफलाइन पे हो पाएगा, लेकिन अभी तो हम बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, बुक को कवर करते हुए यानी कि टॉपिक को क्लियर, जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बेसिक उनको हम क्लियर करते हुए चलेंगे। चलो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। साथ में आपको घर के लिए कुछ मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, 2 क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 7 पाई बाई 18 रेडियन को आप कन्वर्ट करना है डिग्री में, और 5 पाई बाई 21 रेडियन, इन दोनों को आपको कन्वर्ट करके देखना है घर पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इजीली ये हो जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।